नमस्कार दोस्तों, डेयरी सिविलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी की जिसने पूरी ह्यूमन न्यूट्रिशन हिस्ट्री को बदल दिया। कब स्टार्ट हुई ये कॉन्स्पिरेसी, कौन था इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या कोलेस्ट्रॉल सही में इविल है, क्या कोलेस्ट्रॉल से आपके हार्ट को कोई परेशानी होने की चांस है। बने रही इस वीडियो में दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा वर्ड बन चुका है जिसे सभी लोग हेट की नज़रों से देखते हैं। आज की जनरेशन को ये लगता है कि कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट डिजीज का रूट कॉज है, और सफोला जैसे बड़े ब्रांड भी कोलेस्ट्रॉल फ्री होने का दावा करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल फ्री जैसे टैग्स को प्रमोट करते हैं। तो क्या दोस्तों, लाखों सालों से पिए जाने वाला दूध आज अचानक से कोलेस्ट्रॉल की वजह से खटगरेम खड़ा हो गया? क्या वो अचानक से लाखों सालों के बाद हार्ट डिजीज कॉज करने लगे कोलेस्ट्रॉल की वजह से? दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए हमें जाना होगा 1960 के दशक में। 1960 एक ऐसा दशक था जिसमें शुगर इंडस्ट्री और शुगर बेवरेज इंडस्ट्री जैसे कि कोका कोला और पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स को शुगर के हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए क्रिटिसाइज करा जा रहा था। साइंटिफिक पब्लिकेशंस और आर्टिकल्स छप रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि शुगर कैसे ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। लेकिन दोस्तों, कहानी में चेंज 1967 यानी कि 1967 में आता है। एक ऐसा चेंज, तीन हार्वर्ड साइंटिस्ट का न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। उस आर्टिकल का ये दावा था कि शुगर का हार्ट डिजीज के कोई कनेक्शन नहीं है, पर कनेक्शन है तो सैचुरेटेड फैट से। इसके आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद ऐसे दोस्तों बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए अगले 50 साल में जिन्होंने ये दावा किया कि शुगर इज नो कल्प्रिट फॉर द हार्ट डिजीज बट सैचुरेटेड फैट इज। दोस्तों, सैचुरेटेड फैट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा कल्प्रेट बताने के ठीक 50 साल बाद डॉक्टर स्टेंटन ग्लैड्स जो कि UCSF मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और जामा इंटरनल मेडिसिन जर्नल जैसे मशहूर जर्नल के ऑथर हैं, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई। उन्होंने ये दावा किया कि जो हार्वर्ड के तीन प्रोफेसर वाली रिपोर्ट थी जिसमें सैचुरेटेड फैट को बदनाम किया जा रहा था, वो एक बायस्ड थी, और शुगर एसोसिएशन बोर्ड कि एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी। इस कॉन्स्पिरेसी के हिस्से के तहत शुगर एसोसिएशन बोर्ड ने उन तीन हार्वर्ड प्रोफेसर्स को $50,000 दिए थे ताकि वो ऐसी झूठी रिपोर्ट सामने ला सके। इसके बाद मैरियन नेस्ले जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के फूड स्टडीज एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि कैसे शुगर इंडस्ट्री ने अपने ऊपर से सारा ब्लेम हटाने के लिए सारा ब्लेम सैचुरेटेड फैट पर डलवा दिया झूठी साइंटिफिक रिसर्च के सहारे। ये उठता है और आपके मन में सवाल भी ये उठ रहा होगा कि हम कैसे मान लें कि कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट हमारे सेहत के लिए सही है। ऐसे ढेरों सारे एविडेंस इंटरनेट पर मौजूद हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को ये बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में की आर्टरीज में जम जाता है और हार्ट अटैक और हार्ट डिजीजेस कॉज करता है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 21 स्टडी के बाद ये कंक्लूड किया कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिसमें यह बताया गया हो कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज कॉज करता है। दोस्तों, पुरानी हाइपोथेसिस के मुताबिक सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने से ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से शरीर में हार्ट डिजीज और हार्ट ब्लॉक होने के जैसा खतरा होता है। पर दोस्तों, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का ये संबंध कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, आइए इसे समझते हैं। सैचुरेटेड फैट में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। पहला होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। और LDL ही हार्ट डिजीज के लिए खतरा बढ़ाता है अगर हम LDL नियमित मात्रा से ज़्यादा ले तो। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल जिसे इग्नोर कर दिया जाता है और ज़्यादातर पुरानी हाइपोथीसिस में इग्नोर करा गया है, वो HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल ना कि हार्ट डिजीज को रोकने, हार्ट डिजीज नहीं कॉज करता, बल्कि ये हार्ट डिजीज रोकने में भी काम आता है, इसलिए इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और दोस्तों, सारे LDL भी बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में नहीं आते, केवल वही LDL बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं जो कि छोटे और घने यानी कि स्मॉल और डेंस होते हैं। और चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि मिल्क का सैचुरेटेड फैट LDL को छोटे और घनों से बड़े और कम घनों में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कम हार्मफुल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है।
यानी कि ओवरऑल सैचुरेटेड फैट में मौजूद कोलेस्ट्रॉल ना कि हार्ट डिजीज कॉज नहीं करता बल्कि हार्ट डिजीज रोकने के लिए काम आता है। स्टडी करी दोस्तों पॉल जेसी वाई लुई और उनकी टीम ने एक स्टडी में पता लगाया कि डेयरी सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने वाले लोगों को मेटाबोलाइट सिंड्रोम का खतरा कम होता है। दोस्तों मेटाबोलाइट सिंड्रोम वही होता है जिसके अंडर इंसुलिन सिंड्रोम, एबनॉर्मल ओबेसिटी और ट्राइग्लिसराइड लेवल जैसी घातक बीमारियां आती हैं, और ये सारी बीमारियां हार्ट डिजीज कॉज करती हैं। यानी कि इस स्टडी में सामने आया कि सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको हार्ट डिजीज होना नहीं, उनको हार्ट डिजीज होने का खतरा कम होता है। दोस्तों एक और स्टडी में सामने आया कि डेयरी सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने वाले लोगों को 44% कम डायबिटीज होने के चांस होते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग डेयरी फैट कंज्यूम नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये सारी रिपोर्ट हमें ये बताती है कि डेयरी सैचुरेटेड फैट रिजल्ट्स इन द डिडक्शन ऑफ द चांसेस ऑफ द हार्ट डिजीजेस, नॉट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ द हार्ट डिजीज़।